हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरसी सर की क्लास। आज हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, इस तरह से आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम होता है कि ये यूज कहाँ होते हैं, इनके साथ बहुत कौन सा लगता है। तो आज हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कैसे कहाँ होता है और इसके साथ वर्ब का यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है कि जो फिक्स नहीं हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। चलिए रूल नंबर वन देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर तीन एग्जांपल्स है, उसके पहले आपको नोट में जो मैंने लिखा वो आपको बता देते हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सभी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। तो इनके साथ अगर जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ यूज करेंगे। और एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो है ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस वजह से इसमें इट, इटसेल्फ या इट्स यूज करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एवरीबॉडी, मैंने यहाँ एवरीबॉडी यूज किया, इसके बाद मैंने यहाँ हैज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हैज सिमिलर वर्ब है। याद रखना है एक चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिमिलर यूज होता है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज His on, as on the subject। तो यहाँ पर देखिए his यूज किया गया है, ठीक है, everybody के लिए यहाँ पर his। हाँ, यहाँ पर her भी यूज होगा, लेकिन अगर पता चले कि फीमेल को डिनोट किया जा रहा है तो आप her भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप their ये कभी यूज नहीं करेंगे। anybody, hands, देखिए यहाँ बहुत सिमिलर है। और यहाँ पर has me that I shall be thankful to him, ठीक है, him यूज हुआ है anybody के लिए। यहां them कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि anybody सिंगुलर है। Everyone should love his country। तो everyone ये हमारा यहां पर indefinite pronoun है और इसके लिए his का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यह एक है। एक ट्रिक समझ चाहिए, जितने भी indefinite pronouns होते हैं आप उसको एक व्यक्ति मान लीजिए या फिर एक वस्तु मान लीजिए, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपको मानना है कि वो एक है, चाहे भले ही एवरीबॉडी क्यों ना लिखा हो, आपको मानना है कि वो एक है। अगर एक मानकर आप उसको बनाएंगे तो हमेशा आप वर्ब जो है वो सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे। चलिए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर टू, सम तथा इससे बने प्रोनाउंस जैसे समवन, समबडी, समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि जिसमें हाँ होता है, ठीक है, पॉजिटिविटी होती है, ऐसे सेंटेंस में होता है। ही हैज बाउट सम मैंगोज, ये सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ सम की जगह पर एनी यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी तथा इससे बने प्रोनाउंस जैसे एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। आई हैव नॉट एनी पेन, अगर आप यहाँ पर सम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा और यहाँ पर एनी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखिए सम से बने जो भी प्रोनाउंस होते हैं उसका यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी या एनी से बना जो भी प्रोनाउन होता है उसका यूज सिर्फ नेगेटिव में होता है। चलिए एक और रूल्स देख लेते हैं। चलिए वन का रूल देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजन भी करता है। देखिए वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस वन आएगा। नॉमिनेटिव केस मतलब कि सब्जेक्ट वन होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा वंस, ठीक है। एग्जांपल्स में देखें, वन यहां पर ये नॉमिनेटिव केस है, वन शुड लव वंस कंट्री। देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, जब एरर फाइंड आउट करने को दिया जाता है तो यहां पर हिज लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि हिज नहीं होगा, यहां पर वन ही होगा। ये हुआ हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। वन नॉमिनेटिव केस, शुड ओबे वंस ड्यूटी, यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर एग्जामिनेशन में आपको हिज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको
इसको क्रॉस करना है और वंस को क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।